अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 4 की कंप्यूटर साइंस की बुक है। कल हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था और हमने टॉपिक जो है वो रीड किया था, वो था पावर पॉइंट को जो हमने स्टार्ट किस तरह से करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ द पावर पॉइंट 2013 विंडो। पावर पॉइंट 2013 विंडो के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। फर्स्ट पार्ट जो है वो है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है? इट कंटेन द बटन्स फॉर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स सच एज सेव, अंडू एंड रीडू। ये तीन कमांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड्स हैं, सेव की, अंडू की और रीड की। ये तीनों जो हैं कमांड्स जहाँ पे मौजूद होती हैं वो क्या कहलाता है? क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। अब ये ऊपर जो फिगर 9.3 है इसके ऊपर आपके पास जो है वो पावर पॉइंट की मेन स्क्रीन जो है वो शो करवाई हुई है। उसमें आपको बता दिया है फर्स्ट जो है ये वाला पॉइंट जो है फर्स्ट वाला, यहाँ पे ये सेव का बटन है, ये रीडू का बटन है और ये अंडू का बटन है। तो नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है टाइटल बार। टाइटल बार का क्या काम है? इट डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। ये पावर पॉइंट विंडो के टॉप पे जो है वो शो होता है। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन करंटली ओपन। ये क्या है? उस प्रेजेंटेशन का जो नेम शो करवाता है जो आपने ओपन की हुई होती है। टू द राइट ऑफ द टाइटल बार, टाइटल बार के राइट पे देर आर थ्री बटन्स। थ्री बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का दूसरा नेम क्या है? रीस्टोर या डाउन। और थर्ड जो है वो क्लोज का बटन होता है। अब टाइटल बार कहाँ पे मौजूद है वो भी हम ऊपर फिगर जो है 9.3 में देख लेते हैं। ये है सेकंड वाला पॉइंट जो था वो ये शो करवाया, ये सेकंड वाला पॉइंट है। सेकंड वाले पॉइंट में ये वाली ऊपर जो है वो आपके पास टाइटल बार है, यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि ये आपके पास मैक्सिमाइज का बटन है वो वाला, और ये मिनिमाइज का है और ये क्लोज का बटन है। तीनों बटन आपको उन्होंने एरो से शो करवा दिए, ऊपर राइट भी किया हुआ, ये मिनिमाइज का बटन है, ये मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन का है और ये क्लोज का बटन है। अब थर्ड वाला पॉइंट जो है वो ये वाला है, वो हम देख लेते हैं कि क्या है। थर्ड पॉइंट है रिबन। रिबन क्या है? इट इज़ डिस्प्लेड जस्ट बिलो द टाइटल बार। ये टाइटल बार के बिल्कुल नीचे जो है वो मौजूद होता है, शो होता है आपको। इट कंटेन्स मल्टीपल टैब्स। इसमें क्या है? मल्टीपल डिफरेंट तरह की टैब्स हैं। द टैब्स कंटेन द कमांड्स डिवाइडेड इन ग्रुप्स। अब जो है टैब्स जो है डिफरेंट टैब्स जो हैं वो क्या है, डिफरेंट कमांड्स भी हैं इसमें, जिनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में क्या है डिवाइड कर दिया गया। अब रिबन जो है हमने ऊपर देखा है क्या है, ये वाला पूरा जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये क्या कहलाता है? रिबन कहलाता है। इसमें क्या है, डिफरेंट टैब्स हैं और डिफरेंट कमांड्स भी हम यूज़ कर रहे हैं और इनको डिफरेंट क्या है ग्रुप्स में चेंज किया गया। अब ये एडिटिंग ग्रुप है, ये ड्राइंग ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये स्लाइड्स ग्रुप है और ये क्लिप बोर्ड वाला जो है वो ग्रुप है। अब ये डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट कमांड्स या डिफरेंट जो है टैब्स जो हैं वो मौजूद हैं। नेक्स्ट जो है वो फोर वाला पॉइंट हम देखते हैं। फोर वाले पॉइंट में क्या है? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर अब क्या है? इट इज़ एन आइकॉन। ये एक आइकॉन है दैट अपेयर इन सम ग्रुप्स एट द बॉटम राइट कॉर्नर। ऊपर हमने जो है रिबन में जो हमने डिफरेंट ग्रुप्स देखे हैं उन ग्रुप्स के बॉटम राइट कॉर्नर पे एक आपके पास आइकॉन मौजूद होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ऑन क्लिकिंग इट, उस आइकॉन पे हम जब हम क्लिक करेंगे, आर रिलेटेड डायलॉग बॉक्स ओपन, उससे रिलेटेड जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। दैट प्रोवाइड मोर कमांड रिलेटेड टू दैट ग्रुप, जो कि हमें उस ग्रुप से रिलेटेड और जो है वो कमांड जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। अब डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो है वो हम देख लेते हैं, पॉइंट नंबर फोर था। तो ये आपके पास ये छोटा सा आइकॉन जो बना हुआ है, एक यहाँ पे भी आइकॉन है, यहाँ पे भी आइकॉन है। अब इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी है ये वाला आइकॉन, इन आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उससे रिलेटेड जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें क्या है उस ग्रुप से रिलेटेड और भी जो है वो कमांड जो है वो हमें शो हो जाएंगी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर फाइव। पॉइंट नंबर फाइव में है स्लाइड नेविगेशन पैन। स्लाइड नेविगेशन पैन क्या है? द स्लाइड नेविगेशन पैन अलाउज यू टू व्यू ऑल द स्लाइड्स इन वन इन योर प्रेजेंटेशन। स्लाइड नेविगेशन पैन जो है उसकी मदद से क्या है हम शो व्यू देख सकते हैं ऑल द स्लाइड्स, तमाम स्लाइड्स को इन योर प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन में
द सिलेक्टेड स्लाइड विल अपेयर इन द स्लाइड पैन टू द राइट। जो सिलेक्ट की हुई जो है आपके पास स्लाइड होगी वो आपको राइट साइड पे शो होगी। यू कैन ऐड, आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट, डबल, एक ही स्लाइड की आप जो है डबल कॉपी बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं, एंड रीअरेंज स्लाइड, या आप स्लाइड्स को रीअरेंज करना चाहें तो वो भी आप रीअरेंज भी कर सकते हैं इन द स्लाइड नेविगेशन पैन, स्लाइड नेविगेशन पैन में। अब ये आपके पास जो है पॉइंट नंबर 5 हमने डिस्कस किया है वो क्या है, ये है पॉइंट नंबर 5। यहाँ पे आपके जो जितनी भी आपने स्लाइड्स बनाएंगे वो आपके पास यहाँ पे ये वाला स्लाइड नेविगेशन पैन है, यहाँ पे आपको अपेयर होंगी सारी की सारी स्लाइड। इन स्लाइड्स को देख के आप क्या है कोई भी अगर आपने रीअरेंज करनी है, तरतीब उनकी चेंज करनी है स्लाइड्स की, तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई आपने और ऐड करनी है स्लाइड वो भी अगर ऐड करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। कोई डिलीट करेंगे तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी, आपको नज़र आएगी, आप इजीली इसको डिलीट कर सकते हैं। डुप्लीकेट डबल कॉपी बनानी है किसी एक स्लाइड की तो वो भी आप कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 क्या है हमारा, वो नेक्स्ट पेज नंबर 110 पे है। पेज नंबर 110 पे फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारा रूलर्स। रूलर्स क्या है, रूलर्स जैसे हमने पहले भी देखा है स्केल्स जो हैं वो हमारे उसी तरह ही होते हैं। रूलर्स, देर आर टू रूलर्स, आपके पास दो रूलर्स हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर्स लोकेटेड एट द टॉप टू द लेफ्ट ऑफ द करंट स्लाइड। जो आपकी करंट स्लाइड, जो भी स्लाइड आपने ओपन की हुई होगी उसके टॉप पे, मतलब ऊपर यहाँ पे टॉप पे आपको एक रूलर शो होगा और एक जो है वो आपकी ये वाली लेफ्ट साइड जो है वहाँ पे आपको रूलर शो होगा। द रूलर्स मेक इट ईजी टू अलाइन टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड्स। अब रूलर्स का क्या काम है, रूलर जो है वो आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी अलाइनमेंट, मतलब उसकी तरतीब जो है वो सीधी कर देता है, उसको आप इजीली जो है उसके अंदर अंदर जो है वो राइट कर सकते हैं। जैसे अब हम नोटबुक्स पे देखते हैं आप कि अगर आपने स्केल से जो है वो मार्जिन लाइन लगाई हो तो आपका जो है वो काम लिखा हुआ जो है वो होमवर्क हो गया या आपका क्लास वर्क हो गया वो कितना नीट लगता है। इसीलिए यहाँ पे भी क्या है, रूलर्स यूज़ किए जाते हैं, जो भी आप स्लाइड बना रहे हैं वो ईजिली जो है वो उसके अंदर राइट हो सके और आपका जो लिखा हुआ उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो। तो रूलर जो है पॉइंट नंबर 6 में हमने रूलर्स देखे हैं। रूलर्स हम देख लेते हैं उसी फिगर में पिछले पेज पे कि वो जो है रूलर जो है वो कहाँ पे शो हो रहे हैं। ये आपके पास एक रूलर जो है वो टॉप पे शो हो रहा है और एक जो है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है। पॉइंट नंबर 6 जो है वो हमने डिस्कस किया था, ये पॉइंट नंबर 6, ये एक रूलर टॉप पे है और एक जो है वो लेफ्ट साइड पे है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 में क्या है, स्लाइड पैन। स्लाइड पैन का क्या काम है, स्लाइड पैन, अ स्लाइड इज़ डिस्प्लेड इन द स्लाइड पैन। एक स्लाइड जो है वो स्लाइड पैन में डिस्प्ले शो होती है एट द सेंटर ऑफ द पावर पॉइंट विंडो, पावर पॉइंट की विंडो के सेंटर में। यू कैन व्यू एंड एडिट अ स्लाइड इन द स्लाइड पैन। आप स्लाइड पैन में जाके किसी भी स्लाइड को एडिट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, देखना हो तो आप देख भी सकते हो, अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। स्लाइड पैन जो है वो क्या, वो कहाँ पर है, ये जो है पॉइंट नंबर 7 हमने डिस्कस किया है। तो ये वाला जो वाइट पार्ट है, ये वाला सारा, ये वाला, ये क्या है, ये आपको पास वही शो करवा रहा है स्लाइड पैन को। इसमें क्या है, आप कोई भी स्लाइड जो है ये आपके पास स्लाइड जो है, स्लाइड में आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, एडिटिंग जो है वो भी कर सकते हैं, व्यू अपने स्लाइड को देखना हो तो बड़ा करके इसमें आप देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो पॉइंट नंबर 8 है। पॉइंट नंबर 8 में है प्लेस होल्डर। इट इज़ अ डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट इमेजेस ईटीसी एट्सेट्रा। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर का क्या काम है, इट इज़ अ डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये एक डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब रेक्टेंगुलर की शक्ल में एक बॉक्स है, डॉटेड है ऑन अ स्लाइड, स्लाइड में दैट होल्ड, जिसमें क्या है हम टेक्स्ट और इमेजेस जो हैं वो हम रख सकते हैं। प्लेस होल्डर अब कहाँ पे है, आप पावर पॉइंट की विंडो की स्क्रीन पे हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 हमने देखा था डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये वाला जो डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये वाला स्लाइड वाला, ये आपके पास आपको शो हो रहा है कि ये डॉटेड लाइन है, तो ये डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेस होल्डर बोलेंगे। इसमें क्या है, हम कोई भी इमेजेस जो हैं वो भी रख सकते हैं, टेक्स्ट जो है वो भी लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा जो है वो पॉइंट नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 9 में है नोट्स। दिस एरिया इज़ यूज टू ऐड नोट्स टू द करंट स्लाइड। किसी भी करंट स्लाइड में आपने नोट्स जो हैं वो ऐड करने हैं तो उसको हम नोट्स वाले ऑप्शन पे जाके ऐड कर सकते हैं।
तो ये क्या कहलाता है, ये एरिया क्या कहलाता है, नोड्स कहलाता है ये इसको दूसरा नाम क्या है, आल्सो नोन एज स्पीकर्स नोड्स, इसको हम स्पीकर्स नोड्स भी बोलते हैं। नोड्स वाला एरिया अब जो है वो उसकी विंडो स्क्रीन पे किधर मौजूद है वो भी हम फिगर में देखेंगे। ये है पॉइंट नंबर 9, क्लिक टू ऐड नोड्स। आपने नोट्स ऐड करने हैं तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कमेंट्स। 10 पॉइंट जो है वो कमेंट्स है। कमेंट्स में क्या है, रिव्यूअर्स कैन लीव कमेंट्स ऑन एनी स्लाइड। अब क्या है, जो देखने वाले जो हैं वो जो स्लाइड को देखते हैं वो अपना कोई भी कमेंट जो है वो लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं स्लाइड्स के नीचे। वहाँ पे कमेंट का जो ऑप्शन है वो भी मौजूद है। क्लिक कमेंट्स, कमेंट्स पे क्लिक करें टू व्यू कमेंट्स फॉर द करंट स्लाइड। कोई भी करंट स्लाइड जो आपने ओपन की हुई है उससे रिलेटेड आपने कोई कमेंट्स जो है वो देना है तो आप कमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप वहाँ से कमेंट जो है वो उस पर राइट कर दें तो कमेंट जो है वहीं पे आपका सेव हो जाएगा। अब कमेंट्स वाला ऑप्शन जो है वो भी जहाँ पे नोट्स का ऑप्शन था वहाँ पे ही मौजूद है। ये है कमेंट्स, इस कमेंट्स वाले ऑप्शन पे कमेंट क्लिक करें तो आप जो है यहाँ पे कोई भी कमेंट जो है क्लिक करके राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में क्या है, व्यू बटन। यू कैन व्यू द स्लाइड्स यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग बटन। नीचे आपके पास 4 डिफरेंट बटन दिए गए हैं, उनको यूज़ करते हुए आप स्लाइड्स को व्यू कर सकते हैं। नॉर्मल है एक, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू। ये क्या है, आपके पास डिफ़ॉल्ट व्यू है, मतलब कि आपकी जो है पावर पॉइंट में पहले से ही जो है यूज़ किया जाने वाला व्यू वाला ऑप्शन जो है वो ये नॉर्मल व्यू वाला ऑप्शन ही यूज़ किया जाता है। दिस व्यू शोज़ द स्लाइड नेविगेशन पैन एंड द सिलेक्टेड स्लाइड। इसकी मदद से हम क्या देख सकते हैं, स्लाइड नेविगेशन पैन को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं एंड सिलेक्टेड स्लाइड, जो भी हमने स्लाइड सेलेक्ट की है उसको हम व्यू कर सकते हैं। नेविगेशन पैन, स्लाइड नेविगेशन पैन क्या है वो भी हमने पीछे डिस्कस किया है, और सिलेक्टेड स्लाइड, इन दोनों को हम नॉर्मल व्यू बटन की मदद से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर का क्या काम है, इट डिस्प्ले मिनिएचर फॉर्म ऑफ ऑल द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। मिनिएचर मतलब छोटी से छोटी भी फॉर्म में, छोटी से छोटी शेप में भी हम प्रेजेंटेशन की स्लाइड को अगर देखना चाहें तो हम स्लाइड सॉर्टर की मदद से हम देख सकते हैं। रीडिंग व्यू, रीडिंग व्यू का क्या काम है, इट हाइड्स ऑल द एडिटिंग टूल्स। इसकी मदद से क्या है, हम तमाम जो साइड्स पे एडिटिंग टूल्स आएंगे जो जिसकी मदद से हम, एडिटिंग टूल का क्या काम होता है, कोई भी एडिटिंग करनी है हमने अपनी स्लाइड के अंदर तो उन एडिटिंग टूल्स को हम साइड पे हाइड कर देंगे टू मेक योर स्लाइड ईजियर टू व्यू, ताकि हम जो है अपनी स्लाइड को ईजिली जो है वो रिव्यू देख सकें। नेक्स्ट जो है वो स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या है, इट डिस्प्ले द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन वन बाय वन ऑन द स्क्रीन। स्लाइड शो क्या है, एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वीडियोज़ की, उसी तरह से खुद ब खुद जो है वो स्लाइड जो है वो वन बाय वन आपको डिस्प्ले होती जाएंगी। स्लाइड शो का ये काम है, यही बता रहे हैं कि डिस्प्ले ये शो करवाता है द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को वन बाय वन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे। तो इसी तरह से क्या है, ये हमारा जो काम है स्लाइड शो का ये काम है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल का क्या काम है, क्लिक एंड ड्रैग द स्लाइडर टू यूज द जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल को हम क्या, जूम कंट्रोल का क्या काम है, क्लिक एंड ड्रैग द स्लाइडर टू यूज द। अब किसी भी स्लाइड को हम क्लिक करें और उसको ड्रैग करके रखें ताकि जूम कंट्रोल की मदद से हम उसको जूम करके बड़ा करके देख सकें। द नंबर टू द राइट ऑफ द स्लाइडर रिफ्लेक्ट द जूम परसेंट। अब यह इन पीछे आपको फिगर से शो हो जाएगा कि जूम का क्या काम है, जूम कंट्रोल का। इसमें क्या है, परसेंटेज शो होती है कि कितने परसेंट आपने जूम करके जो है वो अपनी स्लाइड को बड़ा करके देखना है। ये आपके पास नीचे जो है बॉटम साइड पे, स्क्रीन की बॉटम साइड पे आपको शो हो रहा है। यू कैन आल्सो क्लिक द फिट स्लाइड टू ग्रांट विंडो बटन टू द राइट ऑफ द जूम कंट्रोल। अब जो है जूम कंट्रोल का बटन जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं।
पीछे जो है वो उस जो है पेज पे आपके पास फिगर 9.3 थी, ये आपके पास हम 11 वाले में हमने देखे हैं, व्यू बटन्स देखे हैं, ये 4 डिफरेंट व्यूज बटन थे ये आपके पास, ये 11 ए में जो हमने पढ़ा था वो ये वाला बटन, 11 बी वाला ये है, 11 सी वाला ये था और 11 डी वाला ये है। उनके जो हैं वो उनको किस लिए यूज़ किया जाता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब 12 वाले में जो है वो हमने पढ़ा था जूम कंट्रोल। अब जूम कंट्रोल हमने किस लिए देखा था कि हमने कोई भी चीज़ जूम करके अपनी स्लाइड को जूम करके बड़ा करके देखना है तो हम पॉजिटिव जो है वो साइन उसकी तरफ आप करते जाएंगे तो आपकी जो है स्लाइड जो है वो जूम होके बड़ी से बड़ी होके आपको शो होगी। यहाँ पे साइड पे जो है वो परसेंटेज भी शो हो रही है, जिस तरह से आप इसको मूव करेंगे उस तरह से परसेंटेज में भी परसेंटेज भी आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर आपने उसको जूम जो है वो नहीं करना, काम छोटा करके देखना है तो आप माइनस की तरफ जो है वो वापस आते जाएंगे तो आपकी स्लाइड जो है वो छोटी से छोटी होती जाएगी और आपको वो बहुत छोटी सी नज़र आएगी। तो ये है आपके पास पॉइंट नंबर 12। 12 पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया जूम कंट्रोल को। अब नेक्स्ट है स्क्रोल बार्स। स्क्रोल बार्स का क्या काम है? देयर आर टू स्क्रोल बार्स। यहाँ पे आपके पास दो स्क्रोल बार्स होते हैं, कौन कौन से? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। क्लिक होल्ड एंड ड्रैग आ स्क्रोल बार। आपने अगर स्क्रोल बार्स को यूज़ करना है तो वो किस तरह से यूज़ करेंगे? उस पर क्लिक करें और उसको होल्ड करके रखें, क्लिक को दबा के ही रखना है आपने, और ड्रैग द स्क्रोल बार। स्क्रोल बार के लिए आपने अगर ऊपर जाना है तो आपको उसको ऊपर को मूव करेंगे। अगर आपने एक आपके पास जो है वो स्क्रोल बार राइट साइड पर मौजूद होता है और एक आपके पास बॉटम पर मौजूद होगा। डिपेंडिंग ऑन वट पार्ट ऑफ द स्लाइड यू वॉन्ट टू सी, ये आपके पे डिपेंड करता है कि आपने स्लाइड का कौन सा पार्ट जो है आपने व्यू करना है तो उसके हिसाब से आपने स्क्रोल बार को मूव करना है। अब स्क्रोल बार जो है वो भी हम देख लेते हैं कहाँ पे है। ये आपके पास स्क्रोल बार है, एक राइट साइड पे ये वाला स्क्रोल बार है और एक आपके पास बॉटम पे है ये वाला स्क्रोल बार। अब आपने ऊपर से नीचे को मूव करना है तो आप राइट साइड वाला जो है वो स्क्रोल बार जो है वो यूज़ करेंगे। अब आपने लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करना है तो आप ये बॉटम वाला जो है वो स्क्रोल बार यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन जो है वो हमने किस तरह से क्रिएट करनी है? अ प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड इन 3 वेज। प्रेजेंटेशन जो है वो 3 वेज में जो है वो क्रिएट की जाती है, यूजिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को यूज़ करके भी, यूजिंग थीम्स को यूज़ करके भी, और यूजिंग टेम्पलेट्स और टेम्पलेट्स को यूज़ करके भी। यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन। पीछे हमने देखा है कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन वाले ऑप्शन को यूज़ करके हम जो है न्यू प्रेजेंटेशन जो किस तरह से क्रिएट करते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू यूज़ थीम्स एंड टेम्पलेट्स। अब हम देखेंगे कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो तो हम ने देख लिया। अब हम देखेंगे कि थीम्स और टेम्पलेट्स को यूज़ करके हम प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाएंगे वो देखेंगे। यूजिंग थीम्स, थीम्स का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? अ थीम इज़ अ यूनिक सेट ऑफ कलर्स। थीम्स क्या है? इसमें डिफरेंट जो है वो सेट ऑफ कलर्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं एंड इफ़ेक्ट्स दैट कैन क्विकली चेंज द लुक ऑफ एनी इंटायर स्लाइड शो, जो कि आपके पूरे स्लाइड शो का, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन का जो लुक है वो क्विकली मतलब जल्दी से वो जो है चेंज कर देते हैं। कलर्स यूज़ करके, फॉन्ट्स यूज़ करके और इफ़ेक्ट्स को यूज़ करके हम जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन का जो है लुक है वो चेंज कर सकते हैं। थीम्स कैन बी अप्लाई टू अ टेबल। थीम्स जो हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई किए जाते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? टेबल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, शेप्स में भी यूज़ कर सकते हैं और चार्ट्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इन योर स्लाइड, अपनी स्लाइड में यू विल लर्न मोर अबाउट इन इट इन क्लास 5 और 6। क्लास 5 और 6 में जो है वो हम इसके बारे में और ज़्यादा जो है वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव स्टार्टेड विद अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्लाइड, अगर आपने कोई भी प्रेजेंटेशन जो है वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्लाइड से स्टार्ट कर दी है एंड यू विश टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ थीम, और आप जो है वो चाहते हैं कि उस प्रेजेंटेशन में थीम जो है वो एडिट किए जाएं, तो किस तरह से हम एडिट करेंगे? फॉलो दी स्टेप्स, उन स्टेप्स को हम यूज़ करेंगे। क्लिक द फाइल टैब, सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है। फाइल टैब जो है वो आपके पास पीछे जो हमने फिगर जो देखी है फिगर 9.3 उसमें आपके पास फाइल टैब शो हो रहा है ऊपर, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है? द बैक स्टेज व्यू अपेयर का जो ऑप्शन है वो आपके पास आएगा। ये आपके पास यहाँ पे जो है नेक्स्ट फिगर है वहाँ पे आपको शो हो रहा है। यहाँ पे जो है क्लिक न्यू इन द लेफ्ट पैन,
फिगर 9.4 में आपने क्या है, आपके पास लेफ्ट पैन शो हो रहा है, उसमें आपने न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब फिगर 9.4 कौन सी है, ये वह फिगर 9.4, उसमें आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है वो न्यू का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है एंड देन चूज़ अ थीम। तो आपके पास ये डिफरेंट तरह के ये थीम्स आ गए, इनमें से थीम चूज़ करना है। यू कैन आल्सो सर्च फॉर ऑनलाइन थीम्स एंड ऑनलाइन टेम्पलेट्स एंड थीम्स। आप जो हैं वो अगर ऑनलाइन टेम्पलेट्स और थीम्स जो हैं वो सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आ डायलॉग बॉक्स अपेयर विद चॉइस ऑफ बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में है, आपके पास अगर आप अपनी मर्जी का कोई भी थीम जो है वो सिलेक्ट तो कर लिया, अगर उसके आपने कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एक आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें से आपने क्या है बैकग्राउंड कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। फिगर जो है वो 9.5 है, ये आपके पास फिगर 9.5 है, थीम विद द बैकग्राउंड कलर। ये आपके पास डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स के हैं, इनमें से भी कोई सा भी आपने बैकग्राउंड कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड बैकग्राउंड एंड क्लिक क्रिएट। कोई भी कलर जो है वो आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक किया, अ न्यू प्रेजेंटेशन विद विल अपेयर फिगर 9.6। और जो भी आपने उसका कलर जो है वो सिलेक्ट किया होगा, उस कलर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास जो है वो न्यू प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगी।